छत्तीसगढ़ बिलासपुर के पास करी रोड पर होता है गाँव हमने है मेरा। तो हबीब साहब का वर्क साहब 2001 में अपना छत्तीसगढ़ खैरागढ़ में वर्क साहब था। कलियुगी अवतार नाटक का नाम था। तो हबीब साहब ने जो मैं यहाँ आने से पहले मेरा नाचा पार्टी चलता था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, तो नाचा पार्टी के बुलवाया मेरे नाचा पार्टी को। फिर मैं अपना पार्टी लेकर के वहाँ खैरागढ़ पहुँचा। खैरागढ़ में हबीब साहब ने 2 रात रोक कर मेरा काम देखा हमारे नाचा का। फिर वहीं से हबीब साहब बोले कि तुमको हम ले जाना चाह रहे हैं। तो हम लोग अपने पार्टी से 2 आदमी आए थे, मैं मेरा मितान 2001 में। तो मितान जो है 1-2 माह रहा, फिर उसके घर की स्थिति ठीक नहीं था, उसकी पत्नी बीमार रहती थी, तो चला गया। और मैं अभी तक के अब यहाँ पढ़ा हूँ। तो अभी जो जिसे अभी हम लोग बात कर रहे थे राम भाई से जी, हबीब साहब के रहते हुए जो जो नया थिएटर और थिएटर की दुनिया थी उसको भी आपने देखा होगा, अभी भी देख रहे हैं जी। तो कैसा लगता है आपको, क्या क्या बदला हुआ लगता है? बदला हुआ तो बहुत कुछ लगता है साहब। हबीब साहब के ज़माने में मतलब ऐसा रहता था हम लोगों को कि हम शेर के साथ में चल रहे हैं। एक बार की बात है, राम भैया सब जानते हैं बेंगलोर में क्या हुआ। हम उधर से आ रहे थे, वापस आ रहे थे, तो हबीब साहब और माँ जी दूर रुक गई थी और हम लोग ट्रेन में सब सामान लाद लिए थे थिएटर का, और ट्रेन मतलब छूट चुकी थी स्टेशन से। तो फिर हबीब साहब तो देखे नहीं आया है, माँ जी नहीं आई है, तो फिर जितने 8-10 लोग फिर जंजीर खींचे, 8 लोग जो जंजीर खींचे तो रुक गई ट्रेन। फिर थोड़ी देर बाद में फिर ट्रेन चलने लगी, हबीब साहब आए नहीं है। फिर ट्रेन 3-4-5 बार जंजीर खींचा गया, तब कहीं हबीब साहब और माँ जी पीछे के डब्बे में चढ़े, तो हमको पता हो गया कि चचा चढ़ गए हैं करके। फिर ट्रेन चले, जितने वहाँ पुलिस वाले टीटी हैं सभी आके उस डिब्बे में भर गए थे और सभी को डांट डपट कर रहे थे, जुर्माना लगाओ जुर्माना लाओ जुर्माना लाओ, कौन दे जुर्माना, कोई सभी कह रहे कि हम जंजीर खींचे हम जंजीर खींचे हैं। इतने में फिर आधा एक घंटा के बाद में फिर हबीब साहब पहुँचते हैं, तो देखे हबीब साहब और फिर वहाँ बैठे अपनी सीट पर जा करके बैठे। फिर सर ये लोग जुर्माना मांग रहे हैं जंजीर खींचे करके, सभी का चेहरा देखे हबीब साहब जी किसको चाहिए, बैग उठाओ मेरा, किसको चाहिए पैसा, कौन लेगा। फिर हबीब साहब के वो बातें सुन के फिर सब अपने अपने खिसकने लग गए, कोई उनसे बात भी नहीं किए टीटी ना वो पुलिस वाले कोई। तो हमको वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब हम क्या बताएं वहाँ किसी को। तो उनके साथ में चलने से बड़ा बहुत आनंद आता था। नाचा जो होता है सर पूरे रात भर होता है, 9-10 बजे जब शुरू हो गया तो पूरे रात भर होता है नाचा, और 1,000-1,500 ऑडियंस बैठे रहते हैं और रात भर काम करना पड़ता है। खुल के काम ये होता है कि डांसर लोग गाना गा रहे हैं, 10-12 गाना गाने के बाद में फिर कॉमेडियन कलाकार आता है, तो अपने जो कहानी से वो भी नाटक तैयार किए रहते हैं उससे हंसाना लुटाना पोटाना सब होता है, तो उसमें खुल के काम करने को मिलता है। और यहाँ जितना भी करना है लिखा हुआ है उतने ही बोलते हैं उतने ही करते हैं, जो डॉक्टर बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक के तुमको जाना है, एक कदम आगे नहीं बढ़ना है, तो एक कदम आगे बढ़ गए तो खराब हो गए सीन, ये होता है। हाँ, नाचा वाले तो जैसे पाते हैं वैसे करते रहते हैं, ऑडियंस को खुश रहना, और देहाती ऑडियंस है, ऑडियंस रहते हैं गाँव के तो हंस रहे माने हंस रहे हैं। थिएटर में आके कुछ अटपटा नहीं लगा था आपको? अटपटा तो नहीं लगा सर, क्या है नाचा तो 12 महीना चलता नहीं, गणेश उत्सव दुर्गा उस समय चल गया, फिर कोई अच्छा कोई आदमी काम कर रहा है अपने घर में तो तब बुला लेते थे, बाकी समय में घर में रहते थे। और यहाँ चलते ही रहता है नाटक जो है, और वहाँ से यहाँ हमको जैसे हम लोग अनपढ़ हैं अशिक्षित हैं तो वहाँ से यहाँ हमको थोड़ा पेमेंट ज़्यादा मिल गया ना, तो क्यों फिर अटपट लगेगा। और फिर यहाँ काम अच्छा, फिर बड़े बड़े आदमी, अब हम जब क्या है अपने गांव में थे तो
फ्लाइट ऊपर से जा रहे तब देख रहे हैं, और यहाँ अब 10-12 बार चढ़ चुके, तो उतने में हमको ऐसा हो गया कि हम तो हमारे राजा से भी बड़े राजा हैं, जो हमारे गांव में राजा है उनसे भी हम बड़े पावर के हो गए हैं। अब जाता हूँ तो कहता भी है वो, अरे मनहरन तो ऐसा आदमी है कि फ्लाइट के रूप चलने वाला है, जिसके घर में मैं खुद मजदूरी करता था वो खुद अब इज्जत करता है। ये थिएटर से सब, हाँ यहाँ से तो वो कहा गया ना सर ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में छोटे के संग में कटाए दोनों कान और बड़े के संग में खाए बीरा पान, तो ये बड़े के संगत है। एक छत्तीसगढ़ी गीत गाऊँ सर, छत्तीसगढ़ी गीत गाऊँ। ये परगे किनारी मा चिन्हारी, वो लड़का जो है वो लड़की का मतलब रूप का बखान कर रहा है, एक लड़की है उसका वो साड़ी पहनी है, उसको साड़ी के वो जो किनारी को किनारी बोलते हैं, तो किनारी पड़गे किनारी माँ चिन्हारी, ओ लुगरा तुहर मन के नो है, पड़गे किनारी माँ चिन्हारी ओ लुगरा तुहर मन के नो है, तुहर मन के नो है वो तुहर मन के नो है, तुहर मन के नो है वो तुहर मन के नो है, लागे हावे नैना मा कटारी रे कजरा तुहर मन के नो है, परगे किनारी मा चिन्हारी ओ लुगरा तुहर मन के नो है, लौका हर लौकत है दातन मातोर, मीठ बोल ना बजा देते मादर ला तोर, लौका हर लौकत है दातन मातोर, मीठ बोल ना बजा देते मादर ला तोर, ऐसे लागे तोर खोपा मा गोरी गिर के आगे करिया बादर हतो, ओ इंद्र राजा आगे धनुष धारी रे फुंदरा तुहर मन के नो है, लागी हावे नैना मा कटारी रे कजरा तुहर मन के नो है, नाचत है रधिया नचावे मोहना और झूमर झूमर बंसी बजावे मोहना, नाचत है रधिया नचावे मोहना झूमर झूमर बंसी बजावे मोहना, रुद बिगले फूल गे है रितवा बसंती और बंसी बजावें मुस्कावें मोहना, मोर मन के फूल गे फूलवारी रे भौरा तुहर मन के नोहे, परगे किनारी मा चिन्हारी ओ लुगरा तुहर मन के नो है, लागे हावे नैना मा कटारी रे कजरा तुहर मन के नो है।